नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस के युद्धपोत न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस क्यों? क्या अमेरिका के क्लस्टर बमों से होगा युद्ध में सर्वनाश? सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। रूस ने अब नाटो के खिलाफ जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नेवी के सभी फ्रिगेट और युद्धपोत अब हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से लैस होंगे। इनसे न्यूक्लियर स्ट्राइक भी संभव होगी। नाटो का काउंटर करने के लिए रूसी नेवल फ्लीट में पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन शामिल किए जाएंगे। पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन का पहला टेस्ट जुलाई तक पूरा होगा। बेलगोरोद न्यूक्लियर सबमरीन से पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन की क्षमता परखी जाएगी। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूसी नेवी ने कैस्पियन सागर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की भीषण बौछार की। रूसी युद्धपोत ने X-101 मिसाइलों से यूक्रेन के वेपन डिपो को भी ध्वस्त कर दिया। इस स्ट्राइक में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। न्यूक्लियर खतरे के बीच कैस्पियन एयरबेस पर रूस की एयरफोर्स ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। रूस के 4 TU-95 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन के मिलिट्री कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका के महाविनाशक क्लस्टर बमों की एंट्री होने वाली है। पेंटागन के टॉप कमांडर ने कहा कि क्लस्टर बमों से यूक्रेन की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में यूक्रेन के पत्थरों को भी पिघला देने वाले क्लस्टर बम देने का वक्त आ गया है। यूक्रेन की न्यूक्लियर धमकियों के बीच अमेरिका अब यूक्रेन को ग्लास्टर मिसाइल की खेप देने वाला। पेंटागन ने कहा कि अक्टूबर तक सरफेस से हवा में मार करने वाली 150 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें यूक्रेन भेजी जाएंगी। इन गाइडेड मिसाइलों से फाइटर जेट ध्वस्त करना भी संभव है। कीव से लेकर ज़ेपोरेजिया तक रूस की मिसाइल फोर्स कोहराम मचा रही है। बीते 24 घंटे में रूसी फोर्स ने KH-101 और KH-555 मिसाइलों से यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक स्ट्राइक की, तो कई रूसी मिसाइलों को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। बाखमुत फतेह के लिए यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने नए सिरे से काउंटर ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। यूक्रेन की फोर्स जंगल के रास्ते रूसी डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रही है। इस बीच रूसी फौज और यूक्रेन के सैनिकों में भीषण गनफाइट भी हुई। ज़ेपोरिज़िया में रूस की तोपों ने यूक्रेनियन आर्मी को बैकफुट पर धकेल दिया। रूस की आर्टिलरी ग्रुप ने यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर बैक टू बैक गोले दागे। भीषण बमबारी से यूक्रेन के मिलिट्री पोजीशन पर भगदड़ मच गई। कई सैनिक मारे गए।